नूरपुर के चौगान मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एसडीएम नूरपुर आवेद हुसैन सादिक ने इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों के 22 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को जहां 31,000 का इनाम राशि तो उपविजेता टीम को 21,000 रुपए की इनाम राशि के साथ नवाजा जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे एसडीएम नूरपुर ने इसे एक अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि जहां युवा आजकल विभिन्न प्रकार की कुसंगतियों और नशे जैसी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं इस तरह के खेलों का आयोजन कर उनकी ऊर्जा को सही दिशा में ढाला जा सकता है। एसटीएम नूरपुर ने न केवल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर भी वो मैदान में उतरे। उन्होंने आयोजकों को इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। ये एक बहुत अच्छी पहल है। पिछले साल भी एक टूर्नामेंट हुआ था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। मैं होप करता हूं कि ये उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल रहे और ज्यादा से ज्यादा युवा जो है इसमें पार्टिसिपेट करे। इसमें जो जितनी भी युवा की एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि युवा कोई ड्रग्स के पीछे जा रहा है, कोई शराब के पीछे जा रहा है, तो ये है सही चीज जहां पर उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज की जा सकती है। तो इसका मैं देख रहा हूं कि कितना उत्साह है यहां के नौजवान पीढ़ी में। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए और हम जीवन जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये पहल की कि ये जो टूर्नामेंट है ये आगाज हो, और ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम चाहते हैं कि ये पूरा अंजाम तक अच्छे से हो।